जो पिछले क्लास में हमने सीखा था पशु पक्षियों के नाम और फूल के नाम, सब्जियों के नाम और कौन से और एक जो है प्राणियों के, पशुओं के नाम, पशु फूल पक्षी और सब्जी, इन चारों के बारे में हमने सीखा था। अभी आपको क्या करना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको नाम लिखकर बताया था कि सब्जियों के नाम, पशुओं के नाम। अभी आपको क्या करना है, अभी समझिए, पहला वाला जो पशु है, तो आपको क्या करना है, पशु का नाम क्या है देखना है। यदि यहाँ पे पशु का नाम बंदर है, तो बंदर का चित्र निकालना है, या तो उसका स्टिकर मिलता है बाजार में, उस स्टिकर को आपको अपने बुक में चिपका कर उसके सामने बंदर करके लिखना है। उसी तरीके से हाथी का, मोर का, पंछी यानी पक्षियों में मोर का और बुलबुल का, मैना का, ऐसे वाले जो है आपको पिक्स कलेक्ट करके उसके पिक्चर्स को आपके अपने बुक में चिपकाना है और उसके सामने उसका नाम लिखना है, ताकि आपको पहचानने के लिए आसान हो जाए, रिकग्नाइजेशन के लिए इजी हो जाए। सो दिस इज योर व्हाट वी सेड प्रोजेक्ट, दिस इज आई सेड दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू। कौन से पशुओं का है, पक्षी का, सब्जी का और फूलों का, ये जो चार हैं आपको उस तरीके से करना है। जितने भी फूल से उसके पूरे चित्र चिपकाना है, और जितने भी सब्जी हैं उसके पूरे चित्र चिपका कर उसके सामने नाम लिखना है, वेरी अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। ये रहा आपका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट। अभी सीखेंगे हम मोटरसाइकिल के बारे में। मोटरसाइकिल जो यानी कि ये वाले क्या कहते हैं आप लोग, रुकिए एक मिनट, वाहन, व्हीकल्स, व्हीकल जो है वाहन, वाहन के बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है। वाहन जो है मोटरसाइकिल, और जो भी आप चिपकाते हो उसको हिंदी में भी लिखना है उसका नाम, और इंग्लिश में भी लिखना है, आपको पढ़ने के लिए दोनों भी और समझने के लिए आसान हो जाए। सो आपको उस तरीके से करना है। यदि समझे, मैंने यहाँ पे मोर का चित्र बनाया है, तो यहाँ पे मैं आगे लिखूंगी या नीचे लिखूंगी, पिकॉक, पिकॉक, उस तरीके से यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है मोर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी आज हम जानेंगे वाहनों के बारे में। चलिए मैं यहाँ पे वाहन करके लिखती हूँ, वाहन, ठीक है। वाहन में कौन से वाहन है, जैसे कि आप कहते हैं मोटरसाइकिल, बाइसिकल, कार, वैन, ऐसे वाले कहते हैं, तो हिंदी में भी उसको क्या कहते हैं, हिंदी में कैसे उच्चारण किया जाता है, उसके बारे में आज हम जान लेंगे, ठीक है। पहला वाला जो है मोटर साइकिल, मोटरसाइकिल। दूसरा वाला जो है साइकिल, तीसरा वाला जो है कार, चौथा जो है रिक्शा, शॉप, ठीक है। पांचवा जो है वो है मोटर, छठा जो है वो है हवाई जहाज, हवाई जहाज, ठीक है। सातवां वाला जो है वो है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, आठवां वाला जो है वो है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है। नौवां जो है वो है ट्रक, दसवां जो है, इधर लिख देती हूँ,
दसवां जो है वो है बस, ग्यारहवां जो है वो है जहाज, ठीक है। ये जो है हिंदी में हमने लिखा है, तो आपको अभी क्या करना है, मैंने हर बार यहाँ पे आपको इंग्लिश में मीनिंग लिख कर दिखाती थी ना, तो अभी आपको क्या करना है, इंग्लिश में इसका अर्थ लिखना है। मोटरसाइकिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसका वर्ड आपको यहाँ आगे लिखना है। ये रहा दूसरा वाला वर्ड। अभी आपको क्या करना है, मैंने बताया कि जैसे ये फर्स्ट वाला जो बताया था ना, पशुओं के नाम, प्राणी, पशु, पशु पक्षी, सब्जी और फूलों के नाम, उसी तरीके से ये भी पिक्चर आपको बाजार में मिलते हैं। यदि अवेलेबल नहीं है तो हाथ से आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके सामने ये चित्र चिपका कर रख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम कुछ नया लेकर सीखेंगे, स्वर से अक्षर, व्यंजन स्वर के अक्षर, वो जो है अ से अ महा तक, वो वाले नेक्स्ट अगले क्लास में हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।